तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप किया, जिसमें हम लोगों ने लॉजिकल एंड और इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉटोलॉजीज के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है काफी थ्योरेटिकल है, तो कहीं ना कहीं आपका सही कंटेंट का होना जरूरी है। तो बस मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने तरफ से कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए अपने हमारे इस चैनल पे, कि जल्द से जल्द हमारा ये चैनल ग्रो हो जाए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉटोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले अगर तो फ्रेंड, टॉटोलॉजीज क्या होता है? तो उसमें कह रहा है कि टॉटोलॉजी इज अ फॉर्मूला विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इट्स प्रोपोजिशनल वेरिएबल। यानी जो टॉटोलॉजी है, ये आपका एक फॉर्मूला है जिसमें क्या होता है, हमेशा ट्रू वैल्यू को कैरी करता है ये। और ये एक एग्जाम्पल है जो आपके एग्जामिनेशन में भी हो सकता है, पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में सेमेस्टर में। तो उसमें कह रहा है कि प्रूफ ए इज रिलेटेड टू बी, देन उसके बाद आपका एंड ऑपरेटर का साइन है, देन आपका ए है, उसके बाद रिलेटेड टू बी इज ए टॉटोलॉजी। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए बेसिकली आपको पता है ए भी यहाँ पे वेरिएबल दे रहा है, तो ए भी वेरिएबल आपको बनाना होगा। उसके बाद आपको ए रिलेटेड टू बी आपको बनाना होगा, देन आपका बनाना होगा ए रिलेटेड टू बी, देन एंड ऑपरेटर एंड, और उसके बाद आपका ओवरऑल का चार्ट बनाना होगा। यानी इस तरह से आपको चार्ट बनाना होगा। ए में आपका क्या होगा, दो ट्रू होगा, दो फॉल्स होगा। बी में आपका एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। और यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी में आपका अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, एक कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पर भी एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। और यहाँ पे ये ओवरऑल जो आपका कंडीशन होगा, इसमें ये ट्रू होगा, ये फॉल्स, और तीनों यहाँ पे फॉल्स होगा। और इस कंडीशन में चारों का चारों आपका क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कह रहा है कि ऑलवेज ट्रू, यानी ये जो है ट्रू के वैल्यू को कैरी करेगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, प्रूफ हो गया कि ये एक टॉटोलॉजी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद आपका है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? तो कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन इज अ फॉर्मूला विच इज ऑलवेज फॉल्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इट्स प्रोपोजिशन वेरिएबल्स। यानी ये क्या है, ये हमेशा फॉल्स वेरिएबल को, फॉल्स वैल्यू को देता है। और एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसे समझेंगे, तो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, एंड ऑपरेटर, देन ये आपका निगेशन का साइन है, देन एंड, उसके बाद निगेशन ऑफ बी है, इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सिंपल सा ट्रूथ टेबल आपको बनाना होगा। पहले ए दूसरा बी आपका होगा, उसके बाद आपका और ऑपरेटर के लिए ये निगेशन ऑफ ए, निगेशन ऑफ बी, देन यहाँ पे निगेशन ऑफ ए एंड निगेशन ऑफ बी, एंड यहाँ पे ओवरऑल जो कंडीशन है आपका वो। यहाँ पे आपको दो ट्रू दो फॉल्स, दो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। और यहाँ पे और ऑपरेटर में अगर दोनों ट्रू है तो एक ट्रू, यहाँ पर भी दोनों में से एक भी ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पर भी एक भी ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू होगा, और दोनों अगर फॉल्स है तो ओवरऑल कंडीशन आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। निगेशन यानी ए अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, और उसके बाद अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, और ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू होगा। बी के निगेशन की अगर हम बात करें, डेट मीन्स अपोजिट, बी आपका ट्रू है तो इसका अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये आपका फॉल्स है तो ये इसका ट्रू होगा, ये ट्रू है तो इसका फॉल्स, ये फॉल्स है तो इसका ट्रू। ओवरऑल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका फॉल्स होगा, ये फॉल्स, दैट मींस ये आपका ट्रू। और जो आपका फाइनली जो होगा वो आपका टोटली फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो कंडीशन है कॉन्ट्राडिक्शन का प्रूव हुआ। आई होप ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया। उसके बाद आपका आता है कंटीजेंसी क्या होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि कंटीजेंसी इज अ फॉर्मूला विच हैज बोथ सम ट्रू एंड सम फॉल्स वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इट्स प्रोपोजिशनल वेरिएबल। यानी उसमें क्या होता है, कुछ फॉल्स वैल्यू होते हैं, कुछ ट्रू वैल्यू होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी अगर हम समझेंगे, तो इसमें कह रहा है कि प्रूव ए और बी एंड निगेशन ऑफ ए इज ए कंटीजियस। तो यहाँ पे दो वेरिएबल ए भी है, उसके बाद आपका और ऑपरेटर के लिए ए और बी, देन निगेशन ऑफ ए, एंड ओवरऑल जो आपका ये कंडीशन दिया हुआ है उसे एज इट इज हम लोग लिखेंगे चार्ट के थ्रू। तो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। यहाँ पे और ऑपरेटर के लिए दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, एक भी ट्रू इसमें अगर मिल जाता है तो ये आपका कंडीशन ट्रू होता है, दोनों फॉल्स है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। निगेशन आपने समझ ही लिया होगा, आई होप यहाँ तक फिल करने के लिए आपको पता हो गया होगा क्या कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो यहाँ से ये भी कंडीशन क्या हुआ आपका, कंटीजेंसी प्रूफ हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसका आपके क्वेश्चंस में काफी मदद मिलेगा, जिससे आपको सॉल्व करने में, तो इन क्वेश्चंस को, इन चार्ट को आप प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा और शॉर्ट नोट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपको हर पड़ाव में मदद करेगा अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका आइडेंटिटी है, जिसमें पी और पी इज इक्वल टू पी, पी और टी इज इक्वल टू टी, पी और एफ इज इक्वल टू पी, देन पी एंड पी इज इक्वल टू पी, पी एंड टी इज इक्वल टू पी, पी एंड
एफ इज इक्वल टू एफ, देन पी इज रिलेटेड टू पी इज इक्वल टू टी, इसी तरह के ये सारे चार्ट है। ये आपका आइडेंटिटी लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये आपका कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका है डबल निगेशन। डबल निगेशन में आपका ये सिंबल रहेगा तो ये आपका पी होगा, एसोसिएटिव में कह रहा है ये आपका कंडीशन होगा तो ये होगा तो ये कंडीशन होगा। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव में भी है, ऑब्जर्वेशन में भी है, और आपके साथ साथ ही साथ डी मॉर्गन थ्योरम में भी है, और इक्विवेलेंस ऑफ कंट्रापोजिटिव में भी है, और अदर्स प्रॉपर्टीज आपके सामने दिख रही होगी। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये सारी चीजें पहुंचे और वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। बेसिकली इन चीजों को बनाने में कहीं ना कहीं मेहनत थोड़ा सा लग रहा है, तो बस आपके मोटिवेशन की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए कि जल्द से जल्द हमारा चैनल भी ग्रो करे और अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।